नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो कथा है, आज का जो स्कंध है उसका शीर्षक है श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न मंगल आचरण। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पूर्णमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने सुबह अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने सारे इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों का अच्छे से अध्ययन किया है और इसकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका दिल तो बहुत ही बड़ा और सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने से लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं रही है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य हो तो मंद हो गया है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वो अलग अलग प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी मुश्किल है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय और भगवान से भय भी है, जो वो भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्म भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान का कलिम हारी पवित्र वश यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसर्वत्र प्रभु अपनी योग माया से स्वतंत्र लीला करते हैं, मतलब बहुत ही मुक्त होकर लीला करते हैं। आप उन श्री हरि के मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्यकीर्ति, भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएँ भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प कर बैठे हैं। श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना तो कठिन ही है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। तो भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य जाने। इस पर श्रीवास जी कहते हैं,
शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उप्रश्रवसु उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने श्री ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करने कर शुरू किया। सूत जी कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाता देखकर उनके पिताजी व्यास जी विरस से कातर होकर पुकारने लगे और बोले, बेटा बेटा सुनो। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत ही गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार सा है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर ज्ञान अंधकार को पार करना चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों ने, आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करती हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने समूह विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न है जो वो श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म ही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय अनंत स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है, अन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना ही नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। जो ज्ञान है वही तत्व है, उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमत्व तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर उसका क्या ही फायदा। इसलिए एकाग्र मन से भगवत वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उसे गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम ना करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महोत्सव, महत्सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनाने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी शुभ वासनाओं को, अशुभ जो वासनाएं होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के समान हैं। जब श्रीमद्भागवत या भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है और यही तो भक्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस तरह भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की सारी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, दिल आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्मप्रसाद की प्राप्ति होती है।
प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु है। ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाला श्रीहरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वह उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे हालांकि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कलश स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी या तमोगुणी है वह धन, ऐश्वर्य, संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाते हैं और समस्त जितने भी कर्मों की परिसमाप्ति भी है वो श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि है और तत्व की दृष्टि नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः तो एक ही है, लेकिन जब वो अनेक प्रकार की लकड़ियों को प्रकट करती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान एक ही हैं, लेकिन प्राणियों की अनेकता के अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्र, इंद्रिय, अंतकरण आदि गुणों से विकारभूत भावों के द्वारा अलग अलग प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके उन सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, ये भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य था। इसके आगे आने वाले अध्यायों में भगवान के अवतारों का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।